सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैं दरवान भुडेवाल। तो गाइस कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस एक फैमिली ब्लॉग, क्योंकि मेरी फैमिली ब्लॉग है, आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और एक माँ का रोल बच्चे के प्रति किस तरह से होता है, उस चीज़ को इस वीडियो पर दर्शाया गया है। तो देखते हैं किस तरह से माय वाइफ यूबी के लिए किस तरह से अपना रोल निभाती है, किस तरह से उसको पढ़ाती है, एजुकेशन किस तरह से उसके तैयारी कर रहे। तो मेरे हिसाब से माँ का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों के प्रति, और बच्चों को हैंडल कैसे किया जाता है और कैसे शिक्षा दी जाती है, सबसे बड़ा माँ का ही रोल होता है। तो इस वीडियो में वही चीज़ दर्शाया गया है। तो बने रहे किस तरह से माय वाइफ माय किड्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से हर चीज़ें सिखा रहे, तो वही चीज़ इस वीडियो पर दर्शाया गया है। तो बने रहे किस तरह से माँ का प्ले रोल निभा रहे हमारी वाइफ, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि यूवी अपना होमवर्क कर रहे हैं और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी मम्मा मनीषा माय वाइफ थोड़ा बहुत उनका पढ़ाई करा रहे हैं, फिर जाके स्कूल जाएंगे और इस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे यूवी। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई जो भी करना होता है मॉर्निंग के टाइम पर वो करते हैं, उसके बाद स्कूल भेजती है मेरी वाइफ मनीषा, जो कि स्कूल तक छोड़ने जाते हैं और लेने के लिए भी जाते हैं। फिलहाल गाड़ी से आना और जाना नहीं कर पाते हैं यूवी, क्योंकि अभी छोटे हैं। अभी तो सारा तो बोला फिर भूल जाते हो जल्दी जल्दी, उनकी मम्मा पूछेगी तो ज्यादा फिर बोलेगी यूवी और बहुत ज्यादा उसका केयरफुल भी करते हैं। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा बच्चों पर एक बार कर ले जल्दी दिखा कितना सबसे ज्यादा बच्चों पर और माँ का ही किरदार होता है, जो कि मम्मा उन्हीं उस बच्चे को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से पढ़ाती है, किस तरह से हर चीज़ें उनका केयर करती है। तो सबसे बड़ा माँ का ही रोल होता है बच्चों पर। पापा का तो क्या है, काफ़ी दूर रहते हैं, पापा तो रह नहीं सकते हैं सामने, बट माँ रहते हैं। तो माँ का सबसे ज़्यादा किरदार होता है कि माँ बच्चे को किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ने के लिए उसको हर चीज़ें प्रयास करते हैं, जो कि हमारी वाइफ मनीषा प्रयास कर रहे हैं कि यूबी को अच्छी सी शिक्षा मिले और अच्छा सा पढ़ाई लिखाई करे और अच्छे से आगे बढ़े। तो देख सकते हो यूबी काफ़ी होशियार भी है, काफ़ी समझदार भी है, बहुत अच्छा भी है और माता रानी की कृपा से हर चीज़ें समझता है, माँ का भी कहना समझता सुनता है और पापा मेरे को आवाज आई है। तो इस तरह से काफ़ी प्रभाव पड़ चुका है जब से मेरा यूबी बोल सकता हूँ कपूर अंजलि अकेडमी स्कूल में ज्वाइनिंग हुए हैं, तब से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और हर चीज़ों पर एक्टिविटी हो चुकी है। तो इसी तरह से माता रानी से एक बार दुआ करता हूँ काम कर दिया मेरा यूबी जल्दी से पढ़े और लिखे और अच्छा सा आदमी बने। और क्यों लिखूंगी मैं स्कूल थोड़ी जा, तो गाइस देख सकते मेरे को पढ़ना थोड़ी है, तू पढ़ेगा ना जब मैं मम्मी तू मैं मम्मी नहीं बनूंगा मैं तो जो जब तू खाना खाएगी ठीक है। काम भी करते हो? हाँ, सब सब काम। हाँ। क्या क्या काम करना आता है, क्या क्या काम आता है? सो फाइनली गाइस मेरी और मेरी सिस्टर, जो कि छोटी प्यारी सिस्टर हैं और भांजाश्री हैं मयंक जी और युवराज और माय वाइफ स्कूल के लिए छोड़ने के लिए जा रहे हैं और अभी आधे रास्ते पर पहुंचे हैं। इस तरह से एक्टिविटी से चल रहे हैं यूवी, जो कि आज नाराज भी हैं किस वजह से। और तो गाइस फाइनली स्कूल पहुंच चुके हैं यूवी और मयंक, जो कि हमारे भांजेश्री हैं, और हमारी मैम लोग बच्चों को इस तरह से हर एक्टिविटी और
प्रार्थना करा रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम पर यूबी को देख सकते हो और मयंक को देख सकते हो किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी नए हैं और अच्छे से सीखे नहीं हैं तो उनका थोड़ा बहुत एक्टिविटी में सही से नहीं हो पा रहा, बट धीरे धीरे प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे तो जल्द से हर चीज़ें सीख लेंगे। तो फाइनली देख सकते हो हमारे मैम लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया, जो कि हमारे बच्चों और सभी बच्चों को हर एक्टिविटी, हर चीज़ें और शिक्षा सभी चीज़ें दे रहे हैं। तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया सभी मैम लोगों का। तो फाइनली गाइस यूबी का पढ़ाई और होमवर्क का टाइम हो चुका है। दिन भर खेल कूद के बाद शाम के 7 बज चुके हैं। अब अपना मम्मा के साथ अपना होमवर्क कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाई करना होता है वो माय वाइफ मनीषा उसको सिखा रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस इस तरह से माँ का किरदार होता है, इसीलिए हर बच्चे को, हर किसी को माँ के अनुसार और माँ के हर चरणों से उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं डॉग नहीं होता यही कहूँगा कि माँ तो माँ होते है गाइस, माँ कितना परिश्रम और कितना कठिन और हर समय को स्पेंड करके अपना टाइम निकाल के बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं वो तो माँ ही जान सकते हैं। तो माँ की सेवा हर हमेशा कीजिएगा सभी दोस्त लोग, सभी फ्रेंड लोग, क्योंकि माँ की सेवा कीजिएगा तो कोई जन्नत से कम नहीं है, मेरा मानना अच्छा तो वही है। बाकी हर इंसान की हर किसी की अपनी अपनी सोच है, तो माँ की सेवा कीजिएगा क्योंकि माँ ही एक सच्चा रिश्ता है इस दुनिया में, जो कि माँ हर हमेशा बच्चे के लिए जान देने के लिए हाजिर रहती है। तो माँ को हर हमेशा खुश रखेगा और बुढ़ापे में भी हर हमेशा साथ दीजिएगा, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, बाकी अपनी अपनी समझदारी है। क्योंकि माँ कितना परिश्रम करके बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है और उसके साथ दौड़ भाग कई चीज़ें करती हैं, तब जाके बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, तभी जाके बच्चा आगे को कुछ कर सकता है। फिर उस टाइम पर माँ को हर हमेशा खुश और अच्छे से केयर करना चाहिए।
इंग्लिश में करना है और वह थोड़ी लिखे है इसमें उसको भी भरेगा। मैथ में भी करना है तूने अभी तो इंग्लिश में कर फिर मैथ में करेगा हाँ। नहीं तू भरेगा मैंने तो लिख दिया है अब भरेगा खुद ही भरेगा नहीं तो मैम को बोल के आऊंगी कल यूबी क्या तो अरे ये उल्टा है ऐसे सीधे ऐसे लिखते हैं ऐसे ऐसे लिखते हैं जल्दी भर ले यूबी अभी तो कितने सारे बच्चे तेरे पास भरने वाले उसके बाद और भी तो काम है मैथ में भी तो करना है तूने मैंने तो करा दिया हिंदी में करा दिया हिंदी में नहीं खा देगी फिर मैं पापा को शिकायत बोलूंगी क्यों नहीं डांटता है डांटता ही है क्या किसको पापा को अभी लगाऊंगी जब काम नहीं करेगा तब बताऊंगी दुस्या? हाँ इसको भर ले यार एक बार जल्दी कर ले मेरे को लेट हो रही है खाना नहीं बनाओ नहीं खाएगा भूखी मानना है ये क्या हो गया कल मैम को बोलूंगी यार पक्का देख मंकू ने सारा होमवर्क कर दिया उसने उसने नहीं किया है पागल सब कर किया है उसने ना किया पागल इसको ऊपर रखो इसमें रखते हैं ऐसे रखते हैं अब एक टेबल लेके आऊंगे कुर्सी लेके आऊंगे कुर्सी हाँ किसमें लिखेंगे फिर उसमें लिखेगा टेबल और कुर्सी लेके आऊंगे तेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है किसमें लिखेंगे उसको नीचे रख देंगे ना नहीं ऊपर लिखेंगे गाय के ऊपर हाँ गाड़ी लाएगा नहीं मैं पकड़ के लाऊंगी ऐसे ही हाँ ठीक है ऐसे ऐसे होंगे क्या पापा से मंगाना क्या टेबल और कुर्सी मेरा टूटा है हाँ कुर्सी तो है टेबल कुर्सी नहीं टूटा है नहीं नहीं यहाँ का टूटा है वो चल फिर नया लाएंगे पापा को बताना पापा मेरे को कुर्सी चेयर और टेबल चाहिए पढ़ने के लिए हाँ। बोलोगे ना हाँ मैं करा दूंगी ओ से आ से ई से ई से ईख ऊख नहीं ईख है ऊ से अनाय उल्लू उल्लू ऊ से ऊक ऊन ऊन ली री से उल्लू रस्सी ए से ऐ से ऐनक ओ से ओके औ से ओनक औ से ई औरत भूल गए हो नहीं भूला हूँ तो क्यों नहीं बोल रहे हो ए से अनाय अंग से अंगूर अह से खाई हाँ गुड ऐसे ही बोलता है मैम बोलेगी तो मैम के सामने बोलोगे वहाँ डरते नहीं है मैं तो गाय में नहीं डरता हाँ जैसे घर बोलते हो ऐसे स्कूल में भी बोलना ए से अनाय कौन सी हो मैं तो जोर से बोलता हाँ जोर से बोलना फिर से बोलो ओ से ओ से पर आत्मा
हाँ, बड़ी आवाज में बोलना। फिर मैम तेरे को बोलेगी गुड बॉय, यू भी तो बहुत अच्छा बच्चा है। कोई बोलूंगा हाँ तो नहीं है, जब मैं योग बन जाऊंगा फिर बन जाऊंगा मैं। हाँ तो गाई जी है हमारे भांजेश्री और यूवी के फ्रेंड लोग जो कि अभी तो गाइज यहीं पर अपनी ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, टेक रेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय, टेक रेस्ट।